मैं हिमानी कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं सी टेन न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST एक्ट में बदलाव और सरकार द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की समीक्षा करने के बाद दलित समाज ने एकजुटता दिखाई। आगरा फिरोजाबाद में सैकड़ों की संख्या में जुलूस के रूप में एकत्रित होकर सड़कों पर उतरे, तो वहीं दुकानों को जबरन बंद कराया, वहीं दुकानदारों से भी अभद्रता, मारपीट और लूटपाट की। देखते हैं रविंद्र गौतम की ये रिपोर्ट। और नई उम्र के लड़के एक जुलूस के फॉर्म में आ रहे थे और उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर जो जा रहा था उसको ट्रक को रोक करके उसकी पिटाई कर रहे थे। इतने में वहाँ नारके इंस्पेक्टर वहाँ गए और उसको बचाने का प्रयास किया और ये जो प्रदर्शनकारी थे इनको रोकने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने पथराव किया जिसमें उनके सर में चोटें भी आई हैं। और एक दूसरा इंडिपेंडेंटली एक इंसिडेंस हुआ रात में, कोई सुरेश जाटव करके है जिसकी 50 साल उम्र बताई जा रही है, जो रात में या मॉर्निंग में उसकी इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे कारण से डेथ हुई है। अब उसमें ये लोग कुछ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस उसमें लाठी चार्ज में उसको चोट आई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाठी चार्ज हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे खुद के इंस्पेक्टर को चोट आई है पथराव में, और ऐसा लग रहा है कि जो है ये अपने उस पर कोई कार्रवाई ना हो, हमारे ऊपर मुकदमा ना लिख जाए, इससे बचने के लिए इनका प्रयास है कि कहानी बनाई। इस समय सर माहौल क्या है वहाँ? बिल्कुल ठीक है, हमारे वहाँ ऑफिसर्स हैं, मौजूद हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आज जो है विरोध जगह जगह किया जा रहा है, यहाँ शहर की जिले की क्या स्थिति? हम लोग पूरे अलर्ट हैं, सारे ऑफिसर राउंड हैं और सब कुछ अच्छे शांतिपूर्वक अभी तक चल रहा है। सभी लोग उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, उसको ले लिया गया है और सभी लोग डिस्पर्स भी हो गए यहाँ से। किस तरह से? कई नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। ये आपकी जो दुकान पर है, जो आज SC समाज ने जो जुलूस निकाला था, निकालने के बाद बोले कि दुकान बढ़ाओ, तो हम दुकान बढ़ाने लग गए। बढ़ाते ही उन्होंने डंडे और लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। हमने अपने बचाव के लिए हम इधर उधर भाटे। उससे पहले हमारी दुकान का नुकसान करना चालू कर दिया, 10-12 बोतलें फाड़ दी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की, 20 बोतल पानी की लेके भाग गए और जो है दुकान का सारा नुकसान कर दिया। आपने थाने में तहरीक दी? तहरीक नहीं थी, तहरीक पुलिस सामने खड़ी हुई थी, पुलिस की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।